नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं और हमारा देश 75 वर्ष का एक युवा हो गया है। और वैसे तो एक आम इंसान की औसत आयु 60 वर्ष ही होती है। मतलब ये है कि आज़ादी के समय जो व्यक्ति जीवित होगा, बहुत कम व्यक्ति होंगे जो अभी आज 2021 में जीवित होंगे। फिर भी सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और हमारा देश सच में कब आज़ाद होगा, राम जाने। राम जाने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहा जाता है हर चीज़ भारत में जो ना हो या जो हो, हर चीज़ में भगवान को सम्मिलित किया जाता है। नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी, हो गया तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसलिए हम भी सोचे कि चलो भगवान को खींच के ले आते हैं। और भगवान पे ही राजनीति होती है, तो भगवान का मतलब कि जो भी जिनका जो विश्वास है, मत है, उन्हीं के ऊपर यहाँ की भारत की राजनीति घूमती रहती है। हम लोगों ने कभी शिक्षा के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी बिजली के लिए, अभी वीडियो बनाने के लिए हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि यहाँ लाइट कट था। यहाँ स्कूल से हम बाहर निकलते हैं तो सड़क पे पानी जमा हुआ है। खैर, अभी तक हम उस लेवल में नहीं पहुँचे हैं जिससे कि हम कह सकें कि हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, आज़ाद भारत में रह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ईज ऑफ लिविंग आज भी भारत में नहीं है। कभी आधार कार्ड बनाने के लिए दौड़िए तो कभी राशन कार्ड बनवाने के लिए दौड़िए, कभी वोटर कार्ड बनवाने के लिए दौड़िए। हर चीज़ में दौड़ना है, लाइन लगना है, परेशान होना है। कब ईज ऑफ लिविंग होगा पता नहीं। छुट्टी के लिए कभी परेशानी है, कभी रोज़गार के लिए परेशानी है। आज भी लोग यहाँ हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। आज भी ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत के हर गाँव में प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा। तो इसके लिए भी हमें आज़ाद होना है। हर क्षेत्र में आज़ादी ज़रूरी है। पहले लोग पढ़े, शिक्षित हों, धर्म से ऊपर अपना शिक्षा को रखें। धर्म से ऊपर शिक्षा रहेगा तब हम पाखंड में नहीं फंसेंगे और धर्म और पाखंड के बीच का अंतर को हम समझ पाएंगे। खैर, मैंने बता ही दिया धर्म क्या है, तो हमें ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। बस आज़ादी को सेलिब्रेट कीजिए, तिरंगा फहराइए, तिरंगा लहराइए, गर्व कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, देश का सम्मान कीजिए, देश की मातृभूमि को सलाम कीजिए। और तिरंगा तभी आप फहराइए जब आप उसको अच्छे से सुरक्षित रख सकें। फिजूल का आप खरीद के सड़क पर यूँ ना फेंक दें। तो इसी के साथ आज बहुत छोटा सा, और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे दिल में गुबार है जो कि 75 साल में आज तक भारत में नहीं हो पाया। बहुत सारे गांव अभी भी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, बहुत सारे गांव अभी भी बिजली से नहीं जुड़ पाया है, बहुत सारे गांव में अभी भी नेट की फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता है, प्राथमिक विद्यालय बहुत सारे गांव में नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सारी बातें और दिन कर लेंगे। आज के लिए बस यही कि अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए, तिरंगा लहराइए और देश के इतिहास मतलब आज़ादी के बारे में पढ़िए, अपने लोकल हीरोज़ के बारे में जो आज़ादी में पार्टिसिपेट किए थे, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर बने, उनके बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें और अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को बताएं, जिससे कि वो भी रियल हीरोज़ को पहचान पाएं। और सेलिब्रेट कीजिए, पढ़िए, खेलिए, क्योंकि खेलना भी अब करियर अपॉर्चुनिटी है, करियर के रूप में आप उसको बना सकते हैं खेलकर भी। तो बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए। पैसे के पीछे ना भागकर ज़िंदगी के पीछे भागिए। पैसे कमाइए कि ज़िंदगी जी सकें, पैसे इतना नहीं कमाइए कि ज़िंदगी जीने में आपको परेशानी हो। इसी के साथ आज फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।